फैक्ट नंबर वन। दोस्तों दिसंबर 2024 तक इंडियन रोड नेटवर्क अमेरिका के रोड नेटवर्क की बराबरी कर लेगा, और ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहा है देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी। उन्होंने अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी की एक बात याद दिलाते हुए कहा कि वो कहते थे कि अमेरिका के रोड अच्छे हैं, और इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है, बल्कि वो इसलिए रिच हैं क्योंकि उसके रोड नेटवर्क अच्छे हैं। दरअसल अमेरिका का रोड नेटवर्क 67 लाख किलोमीटर के करीब है, जो कि दुनिया में नंबर वन है। वहीं इंडिया का रोड नेटवर्क 62 लाख किलोमीटर है। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है कि हम 2024 तक अमेरिका के बराबरी कर लेंगे। लेकिन गाइस, क्या आपको लगता है क्वालिटी वाइज इंडिया के रोडवेज अमेरिका को पीछे छोड़ पाएंगे? फैक्ट नंबर टू। गाइस, एलन मस्क और पुतिन के बीच चल रहे पंगे के बीच अब चेचेन कमांडर कादिरोव कूद गए। जी हाँ गाइस, कादिरोव पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं, और पुतिन ने उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को मारने भेजा था। दरअसल कादिरोव ने एलन मस्क से कहा कि पुतिन तुम्हें बुरी तरह हरा देंगे क्योंकि तुम एक कमजोर प्रतिद्वंदी हो। कादिरोव की टेलीग्राम पोस्ट में उन्होंने मस्क के लिए एलोना शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद से मस्क कादिरोव को ट्विटर पर ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें अब उनकी मां भी शामिल हो गई है। गाइस, ये पंगा लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है इसका परिणाम क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर थ्री। गाइस, भले ही आज युद्ध रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ा जा रहा हो, लेकिन पॉलिटिकली ये युद्ध अमेरिका और रशिया के बीच में ही लड़ा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही रशिया को रोकने की प्लानिंग कर रहा है। और इसी बीच अमेरिका ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन पर एक चौंकाने वाला दावा किया है। जी हाँ गाइस, अमेरिका का कहना है कि पुतिन कैंसर जैसी किसी घातक बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके लिए वो लंबे समय से स्टेरॉइड और बोटॉक्स का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिससे उनके जिस्म के साथ साथ दिमाग पर भी इसका असर हो रहा है, और इसी वजह से वो लगातार गलत फैसले ले रहे हैं। बहरहाल अमेरिका का ये दावा पुतिन को बदनाम करने की साजिश भी हो सकता है। फैक्ट नंबर फोर। गाइस, आप में से बहुत से लोग ये जानते होंगे कि एलोन मस्क का बर्थ प्लेस साउथ अफ्रीका है, लेकिन एलोन मस्क को बचपन से ही कुछ बड़ा करना था, और वो जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो किसी भी तरह से उन्हें अमेरिका जाना ही होगा। और वो ये भी जानते थे कि अमेरिका पहुंचने के लिए पहले उन्हें कनाडा जाना होगा, क्योंकि कनाडा में एक्सप्रेस एंट्री स्कीम के तहत किसी भी देश में एंटर करना आसान हो जाता है। इसीलिए वो 18 साल की उम्र में ही कनाडा पहुंच गए और वहां एक साल तक छोटे मोटे काम करते रहे। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब आया जब एलोन मस्क को मैरिट पर यूएसए की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से स्कॉलरशिप मिल गई, और वो फाइनली अमेरिका में एंटर हो गए और वहां अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट की। गाइज, ये बात तो सही है कि अगर आपको सफल होना है तो एक प्रॉपर प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। फैक्ट नंबर फाइव। दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद की सड़कों ने दुर्घटनाओं से बचने का एक बेजोड़ रास्ता खोज निकाला है, जिसका श्रेय यहाँ की सौम्या पांड्या ठाकुर और उनकी माता शकुंतला ठाकुर को जाता है। इस माँ बेटी की जोड़ी ने बड़े ही कुशलता से जेब्रा क्रॉसिंग को 3D में पेंट कर एक नया रूप दिया है। इससे ड्राइवर को लगेगा कि आगे रोड ब्लॉक है और वह स्पीड अपने आप ही कम कर लेगा, जिससे एक्सीडेंट कम हो जाएगा। यहाँ के अधिकारियों ने भी इस कार्य की बड़ी सराहना करते हुए इस प्रयोग की सफलता पर मुहर लगा दी है। देश की बेटियों के इस पहल पर उन्हें A2 फैमिली की तरफ से दिल से सलाम एंड उन्हें बहुत बहुत बधाई भी। तो दोस्तों, माँ बेटी के इस जोड़ी पर आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही मोटिवेशनल और अमेजिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।